नमस्ते दोस्तों, मैं नरगिस एनजी जगह किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं छोले और ये कचौड़ी। आपने छोले या कचौड़ी बहुत अलग अलग तरह से खाई है, पर आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आइए इनको बनाना। ये मैंने छोले लिए हैं जिसको मैंने 5 घंटे फूलने के लिए रखा था, अच्छे से फूल के तैयार है। अब इन छोलों को हम पहले बॉईल करेंगे। तो इसमें 4 से 5 काली मिर्ची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 से 3 तेजपाल के पत्ते, हम इस जगह ही खड़े मसाले ऐड करेंगे। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं। तो इसमें डाल देंगे 1 पिंच खाने वाला सोडा, 1/2 चम्मच नमक। ये मैंने कलर के लिए जो काले चले हुए आते हैं ना हल्के से, जो पोटली बना कर डालते हैं, तो उसकी जगह मैंने चाय की पत्ती का पानी बॉईल किया, उसको छान के इसमें ऐड कर देते हैं। और पानी ऐड करके 1/2 गिलास इसमें 2 से 3 सीटी लगा लेते हैं। ये हमारे छोले बॉईल हो रहे हैं। इसके लिए मैं टमाटर ले लिए 2 बड़े साइज के, प्याज 2 बड़े साइज की, लहसुन, हरी मिर्ची और ये अदरक का कुछ टुकड़ा। तो इसका क्या करेंगे, फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें हींग ऐड करेंगे। हींग के बाद इसमें 1/2 चम्मच जीरा। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज वगैरह का जो पेस्ट हमने तैयार किया है ना, और थोड़ा सा कलर आने तक इसको पहले भून लेते हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मेरे 250 ग्राम छोलों के हिसाब से हम ये मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने छोले बॉईल करते समय भी ऐड किया था, इसलिए थोड़ा कम ही ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, और थोड़ा सा पानी डाल के पहले मसालों को भून लेते हैं हम। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच छोले का मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये टमाटर की प्यूरी ऐड कर देते हैं और पहले मसालों को अच्छे से भून लेते जब तक इनसे तेल अलग नहीं हो जाता। ये मसाले अच्छे से भुनकर हमारे तैयार हैं। इसमें 2 से 3 चम्मच हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी मैं, लंबी कटी, इसमें बहुत अच्छी लगती है छोले वगैरह में। और इनको ऐड करने के बाद में इसमें ऐड कर देंगे बॉईल करे हुए छोले, और छोले ऐड करके थोड़ा सा पहले मसालों के साथ इनको भून लेते हैं। और इसमें 1/2 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छे आते हैं छोले में। तो बस इसको मिक्स करके अब इसमें पानी ऐड करेंगे। आइए छोले चेक कर लेते हैं। और देखिए 4 से 5 मिनट मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम करके इनको बनाया है, और देख सकते हैं तेल भी इनसे थोड़ा सा साइड से अलग हो गया, यानी कि ये परफेक्ट है। क्योंकि थोड़ा सा ये नीचे इनको उतार लेंगे ना तो थोड़े वैसे भी ये और गाढ़े हो जाएंगे, तो इसी तरह के बस हमें चाहिए। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम धनिया। ये मैंने 2 चम्मच मूंग की धोबा दाल और 2 चम्मच उड़द की धोबा दाल ली है। दोनों दाल फूल कर तैयार हैं। इनको दाल को हम पीस लेंगे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा फाइन पीसना है, थोड़ा दर हल्का सा दरदरा रखना है। दाल की स्टफिंग को थोड़ा सा हमें फ्राई करना है। तो इसके लिए हमारा तेल गर्म हो जाए तो इसमें हींग ऐड कर देंगे, और इसमें ऐड करेंगे हम सौंफ, जो दरदरा कूट लिया है इसको मैंने। और इसमें अब ऐड करेंगे हम दाल जिसको हमने पीस कर रखा है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे हम, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर, ये थोड़ा सा काली मिर्च ऐड करेंगे पिसी हुई, और ये धनिया पाउडर, और अच्छे से स्टफिंग को मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। एक साइड हमारी स्टफिंग ठंडा हो रही है, जब तक इसके लिए हम आटा लगा लेते हैं। तो ये मैंने 1 कटोरी मैदा ली है, तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छे से पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो लगा के तैयार करेंगे, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा सॉफ्ट। और ये डो लगकर हमारा तैयार है। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देते हैं और बस 5 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको रेस्ट पर रखेंगे। आटा अच्छे से हमारा सेट हो गया है, तो हम इसकी इस तरह से थोड़ा सा आटा डस्ट करके इस तरह से इसकी लोइयां बना लेते हैं। राम राम। थोड़ा सा इसको मैदे में डस्ट करेंगे,
इस तरह से जगह कर लेते हैं। देखिए जगह करके दाल की स्टफिंग इसमें भर लेते हैं। और जिस तरह से मोमोज बंद करते हैं ना, मोमोज बंद करते हैं ना, बस इसी तरह से इसको बंद कर लेते हैं। बंद हो गई, पहले भर लेते हैं। और ये हम थोड़ा से इनको बेल लेते हैं हल्के से हाथों से, थोड़ा सा पतला ही रखेंगे हम इनको। ये देखिए ना ज़्यादा ये मोटी है और ना ज़्यादा पतली है, इस तरह की बना लेते हैं। पहले बेल लेते हैं थोड़ा सा। और ये तेल हमारा गरम हो गया है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और इनको अब तल लेते हैं। और बिल्कुल ये गैस की फ्लेम को लो करके ही हमें ना सेकेंगे, इससे क्या है कि अच्छे से ये हमारी क्रिस्पी और करारी ये सिक्का तैयार हों। इनको पलट लेते हैं, बढ़िया एकदम बढ़िया कलर आ रहा है। और गैस की फ्लेम को लो कर कर ही हम इन्हें सेकेंगे, इससे अच्छे से कलर भी आ जाए अंदर तक ये क्रिस्पी बन के। बढ़िया सिक्कर हमारी ये तैयार है, एकदम कलर से पता चल रहा है ना। अब इसको हम निकाल लेते हैं सारी कचौड़ियों को इसी तरह से सेक कर। बहुत ही क्रिस्पी ये बनी है। ये हमारे छोले कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। आप इन्हें छोले के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार ये हमारी कचौड़ियाँ लगती हैं। देखिए गर्मा गर्म आप इन्हें इस तरह से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती हैं कचौड़ियाँ छोलों की सब्जी के साथ। इस तरह से तोड़ कर इस पर रख लेते हैं, क्योंकि छोले हमें थोड़े थिक ही चाहिए। इस तरह से इनका छोले डाल देते हैं। ये कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं, इस तरह से आप खाइए एक बार। ये इस पर ऐड कर देते हैं सौंठ यानी गुड़ की चटनी और ये हरी चटनी और थोड़ा सा धनिए की पत्तियाँ। तो ये हमारी कचौड़ी और छोले बनकर तैयार है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया, इतना टेस्टी लगता है, आप ये एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर मज़ेदार सी रेसिपीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू।